खानजादी और अभिषेक अपने बीच के डिफरेंसेस को मिटाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन दोनों के बीच में जिस तरीके से धीरे धीरे दूरियां आ रही हैं उसको लेकर अब हम आपको बता दें कि खानजादी बहुत परेशान है। खानजादी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उसका इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ टाइम पास किया गया। हालांकि यहाँ जिस तरीके से खानजादी ने चीज़ों को लेकर अब बिग बॉस से शिकायत लगाई है उससे ऐसा लगता है कि खानजादी बेहद हर्ट है। कल अनुराग ने अभिषेक और खानजादी के बीच में चीज़ों को सही करने की कोशिश की लेकिन खानजादी साफ साफ कहती नज़र आई कि उसे जो है बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है। कल अभिषेक और खानजादी को लेकर ये दोनों आपस में जब कल रात को बैठे हुए थे तब अभिषेक ने कहा कि मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं जो भी है इन सारी चीज़ों को अब भूल जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे से बात करने से फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर मुझे क्यों फ़र्क पड़े। और जब खानजादी ने ये बात सुनी तो वो बेहद हर्ट हुई। उसे ऐसा लगा कि मानो अभिषेक का कहना है कि उसने उसके साथ टाइम पास किया है। और इसी बात को लेकर वो जब कन्फेशन रूम में पहुंची और रोती हुई नज़र आई और कहती नज़र आई कि यहाँ पर अभिषेक मुझे टाइम पास कह रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ चीज़ों को लेकर जो कन्फ्यूजन हुई थी उसको लेकर बाद में खुद अभिषेक ने उसे क्लियर किया और कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर अब तू मेरे साथ बात नहीं करना चाहती और तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे भी नहीं पड़ता, और मैंने जो तेरे साथ खूबसूरत टाइम स्पेंड किया मैं उसको वैसे ही याद रखूँगा, मैंने कहीं पर भी टाइम पास शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो अब अभिषेक की बातों को गलत समझकर हर्ट हुई हैं खानजादी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।